खबर है मिर्जापुर से। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित भगवान श्री रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में मिर्जापुर के मिष्ठान व्यवसायी ने अपने ग्राहकों को 1 किलो लड्डू या पेड़ा खरीदने पर 250 ग्राम फ्री का ऑफर लॉन्च किया है। रस कुंज के निर्देशक राजन गुप्ता ने बताया कि पिता गोपाल दास के निर्देश पर यह स्कीम सुबह 7 से रात्रि के 10 बजे तक लागू रहेगी। कई 100 वर्षों के बाद आखिरकार अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकार ने कार्यालय में छुट्टी कर दी है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की अपील है कि लोग अपने घरों में दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव ग्राम में छोटे छोटे मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। हर कोई इस पुनीत पर्व पर अपना कुछ न कुछ योगदान कर रहा है के तहत मिर्जापुर नगर के लाल डिग्गी स्थित रस कुंज मिठाई की दुकान द्वारा अपने ग्राहकों हेतु एक विशेष ऑफर लॉन्च किया गया, जिसके तहत 1 किलो पेड़ा या बर्फी की खरीद करने पर उन्हें 250 ग्राम मुफ्त दिया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य में सवाई लगाकर ही भोग प्रसाद या दक्षिणा दी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 किलो के दाम में 1.25 किलो पेड़ा या बर्फी ग्राहकों को मिलेगा। रस कुंज के निदेशक राजन गुप्ता ने बताया कि उनके पिता श्री गोपाल दास की इच्छा है कि भगवान राम इस पुनीत कार्य में कुछ ग्राहकों को मुफ्त दिया जाए। इसी के तहत यह स्कीम लॉन्च की गई है। ग्राहकों को भी यह स्कीम काफी पसंद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। स्कीम लॉन्च की गई है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, आपके यहाँ क्या है? 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। हमारे पिताजी गोपाल दास का मन था कि इस दिन ग्राहकों को कुछ न कुछ मुफ्त उपहार दिया जाए, जिसके तहत 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो भी ग्राहक हमारे प्रतिष्ठान से लड्डू या पेड़ा खरीदता है तो 1 किलो खरीदने पर उन्हें 250 ग्राम मुफ्त दिया जाएगा। सोच आपको राम मंदिर प्रतिष्ठा भी होने वाली है, इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनमानस का? आम जनमानस काफी हर्षित है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु राम के चरणों में अपनी सेवा करने में लगा हुआ है। उसी के तहत हमने भी यह सेवा करने का मन में विचार आया और ग्राहकों को उसका फल 250 ग्राम फूड के रूप में प्रदान कर रहे हैं।